विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम गोखले के आर्थिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। गोखले ने केवल एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ वरन एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट भाषण दिए, उनमें से प्रत्येक भाषण आर्थिक विषयों के संबंध में उनके गहरे ज्ञान को स्पष्ट करता है। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में, गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नारोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतनी अधिक पूर्णता लिए हुए था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। उनके अधिक प्रमुख आर्थिक विचारों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं, जिनमें है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के भारी सैनिक व्यय और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह किया था। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण यह बतलाया कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपियन अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं हो पाता है। सेलबाई आयोग के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक है, जबकि रूस कुल राजस्व का 21%, फ्रांस 19%, जापान 16% और इटली 13% व्यय सेना पर करते हैं। भारत का सैनिक व्यय 35% है। इस तरह से उन्होंने विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके भारत में सैनिक व्यय का जो है कम करने का सुझाव दिया था। साथ ही उन्होंने बताया कि एक आरक्षित यानी रिजर्व सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में कम वेतन भत्ते देने होंगे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की जाने वाली सैनिक कार्यवाही के लिए भारत के राजस्व का प्रयोग कम से कम उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस व्यय के एक भाग का भार ब्रिटिश बजट अनुमानों पर भी न डाल दिया जाए। प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उद्देश्य से उन्होंने नागरिक सेवाओं के भी भारतीयकरण की मांग की थी। अगला उनका जो विचार है वो है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी प्रबल विरोध किया। यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में भी रेलें बहुत उपयोगी रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से सही नहीं है। यह भारत का आर्थिक शोषण के उद्देश्य से यह रेलों का विस्तार किया जा रहा है। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाह तक और फिर वहां से विदेशों में भेजा जाता है, तथा विदेशों से जो भी फैंसी माल आयात किया जाता है उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांवों और कस्बों में पहुँचाकर वहाँ के उसे ऊँचे मूल्यों पर बेचा जाता है। आयात किया गया माल स्वदेशी उद्योगों का नाश कर रहा है और दस्तकारों तथा छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेल रहा है। इस प्रकार भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार जो है वो रेलें बन रही हैं। उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि विदेशी व्यापारियों को दी जाने वाली अधिकाधिक रियायतों और सुविधाओं के कारण रेलों को घाटा हो रहा है। अगला विचार है उनका, मुक्त व्यापार के प्रति आशंकाएं और विरोध। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार यानी
फ्री ट्रेड की नीति का विरोध करते हुए कहा कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया है। वाष्प चालित तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं और देश की प्रगति रुक गई है। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती में जाने के लिए बाध्य हो गए हैं और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं। गोखले इस बात के पक्षधर थे कि भारत में नवजात उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोखले ने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण की नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने की आवश्यकता है। गोखले की मान्यता थी कि भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षणों की आवश्यकता है जो विकासमान भारतीय उद्योगों को यूरोपियन उद्योगों के साथ अनियंत्रित और अवांछनीय प्रतियोगिता से तो बचाए, लेकिन एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों और आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण को जन्म न दे। वास्तव में वे ऐसी औद्योगिक नीति के पक्ष में थे जिसमें स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों नीतियों के सकारात्मक पक्षों का समावेश हो। अगला उनका सुझाव था आर्थिक क्षेत्र में, वो था ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। गोखले सभी ग्रामीणों और विशेषतः कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे इस बात से परिचित थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों से और अन्य स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, जिसे उनके द्वारा कृषि भूमि और अन्य साधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है, तथा यह सारी स्थिति उनके लिए प्राण लेवा होती है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिएशन बिल को गोखले ने एक नकारात्मक कदम बताया और उसका कड़ा विरोध किया। गोखले का सुझाव था कि सहकारी समितियां स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अगला जो उनका विचार था वो यह था कि इसी जनता पर करों के भार को कम करने पर बल। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनमाने तरीकों से करों में वृद्धि के कारण उपभोग की कीमतें और परिणामतः जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख थे अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतया माफी, आय कर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क कम करने, नमक कर में कमी करना और अंत में इसे पूर्णतः समाप्त करना आदि। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रशासनिक व्यय को सीमित रखा जाना चाहिए तथा करों से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा भाग लोक कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च किया जाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में ही उनका एक और सुझाव था कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, अतः वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य सुधार, बीज खाद और सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय आदि के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। उन्होंने भारत में कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण विकास के लिए सभी संभव तरीकों से कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कृषि व्यवस्था ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए उन्होंने जो है सहकारी समितियां स्थापित करने पर बल दिया और कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने
नई तकनीक का इस्तेमाल, उन्नत बीज खाद की व्यवस्था और भारत में कुटीर उद्योग धंधों को, कृषि आधारित कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। साथ ही जनता पर करों का भार जो है कम करने का भी आग्रह किया। इसी कड़ी में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि औद्योगिक विकास पर उन्होंने बल दिया, कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी बल दिया और कहा कि इस क्षेत्र के में की गई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगी। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने के प्रयत्न किए जाएं, उत्पादन बढ़ाया जाए और भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियां खोली जाएं। उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उनका पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। उद्योगों में भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे एक ओर तो बेरोजगारी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर देश के शिक्षित वर्ग को एक नई दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे कि औद्योगिकरण के युग में एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। अगला उनका विचार था वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधार। लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकारों पर है, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग जो है वो केंद्रीय सरकार हड़प लेती है। यह अनुचित है, अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन बने रहें। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिर्धारित हो और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। ये शर्तें पूरी होने पर ही प्रांतीय परिषदों को कर लगाने का अधिकार दिया जाए। वास्तव में वे ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों के विरोधी थे। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा यानी पौंड में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक स्वर्ण मान कोष गोल्ड स्टैंडर्ड फंड स्थापित किया गया था और सन 1907 में बजट के भाषण में गोखले ने इस कोष के संचय का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त गोखले का आग्रह था कि भारत सरकार की आय तथा व्यय के बीच अधिक संतुलन और सामंजस्य स्थापित किया जाए। वे इस बात के पक्ष में थे कि आय का अधिक न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए। गोखले पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश में लागू किए जाने पर होने वाली हानियों से परिचित थे। उनका स्पष्ट मत था कि पूंजीवादी देशों की अर्थनीति जो कि त्यों भारत में लागू नहीं की जानी चाहिए, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारतीय परिवेश के अनुकूल ही अर्थनीति अपनाई जानी चाहिए। चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए और नए उद्योगों के लिए जो है उपयुक्त वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज गोखले के आर्थिक विचारों पर चर्चा करी। धन्यवाद।